नवंबर दिव्यांग दिवस के अवसर पर अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में विकलांग समाज सेवा समिति की ओर से विकलांगों के हितों को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा इस मौके पर ट्राई साइकिल बैसाखी दौड़ आदि खेलों का भी आयोजन किया गया। खेल में आए विजय प्रतिभागी को दिव्यांग अधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया गया। मंच से बोलते हुए दिव्यांग अधिकारी ने कहा कि दिव्यांगों के हितों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रचार करने के कई माध्यम अपना रही है। दिव्यांग दिवस के अवसर पर विकलांग समाज सेवा समिति द्वारा जिला अधिकारी को प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि बेरोजगार दिव्यांगजनों को उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा नए कदम उठाए जाए। आज की मेहनत को देखते हुए 500 रुपये की पेंशन दिव्यांगों को दी जाती है, इसे बढ़ाकर 2500 रुपये की जाए आदि इन जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा। विकलांग दिवस पे क्या है, हमारे विकलांगों को जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट हमारी दे रही है वो उन तक पहुंचना चाहिए और जो भी योजनाएं हमारे भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की है उन तक उनको उस चीज़ की मालूमात हो और पब्लिक में ये जागरूकता हो कि विकलांग नहीं है, ये हमारे बराबर के हैं, इनको भी वो मौका मिलना चाहिए। उनको उस दृष्टि से ना देखा जाए जिस दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि ये विकलांग है कुछ नहीं कर पाता है। विकलांगता का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे, पूर्ण रूप से सक्षम है। समाज को हमको यही सोचना चाहिए कि सभी बराबर हैं। वो एक किसी बीमारी की वजह से किसी और कारण की वजह से वो एक अंग या चीज़ क्षतिग्रस्त हुई है, मगर शारीरिक रूप से और तो वो कंप्लीट है, पूर्ण है, तो उनको पूर्ण भागीदारी मिलना चाहिए समाज में और उनको अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर उनका उसी तरह से सम्मान होना चाहिए जिस तरह दूसरे लोगों का होता है। यही एक विश्व दिव्यांग दिवस पर उनके लिए शुभकामनाएँ हैं कि सभी विकलांगों से भी ये अनुरोध है कि वो हमेशा खड़े ना रहे, खुद इतनी मेहनत करें, लोगों को दिखाएं, खुद अपना एक प्रेरणा का स्रोत बने कि हम कुछ कर सकते हैं। आज विकलांग समाज सेवा समिति का 3 दिसंबर अंबेडकर पार्क में मनाया गया है। मैं एक संदेश देना चाहूँगा विकलांग लोगों को कि किसी से हम कम नहीं हैं। आप ऐसी जागरूकता दूसरों तक पहुँचाएं, घर से निकलें, दिव्यांग लोग अपने आप को कमज़ोर ना समझें और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा से प्रेरित हों। शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर शिक्षा होगी तो समाज में एक अच्छा जीवन मिलेगा आप लोगों को और अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझें, यही मेरी सोच है। धन्यवाद।